Hello, friends. How are you all? I think you all are fine. Okay, so let's start our part two of figure of speech. Rest of uh, all uh, six figure of speech, rather, seven figure of speech, we are going to discuss in this video. And uh, it's a really beautiful uh, thing that uh, very uh, easily we are uh, learning this. Okay, let's start the figure of speech. ओके okay फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी सेवंथ फिगर्स ऑफ स्पीच स्पीच उसके पहले आपको याद करा दूँ आपने नोटबुक में लिख दिया होगा फर्स्ट सिमिली वी हैव कम्प्लीटेड द सेकंड वन मेटाफोर द थर्ड वन एलिट्रेशन फोर्थ वन हाइपरबोल फिफ्थ वन एसनस एंड सिक्स वन पन ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेवन वन इट इज़ क्लियरली

तो एग्ज़ाम्पल uh, के साथ हम देखते हैं कि ही इज़ नॉट स्टारविंग वो भूख से नहीं मर रहा है मतलब वो बैगर नहीं है या ऐसा उसका मीनिंग जो हम निकाल सकते हैं ठीक है यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन हाँ ब्यूटी क्वीन वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन नॉट लगा दिया तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है इसका मतलब ऐसा ये क्यों हो रहा है ऐसा ये बार बार क्यों इस तरह से कर रहे हैं सीधे सेंटेंसेस हम नहीं देखते क्योंकि ये हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं मैंने आपको कल के वीडियो में भी आगे के वीडियो में भी बताया है कि जो हमारे ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो हमारे लैंग्वेज को मोर ब्यूटीफुल मोर मीनिंगफुल बनाने की बात है कि यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन कि भाई आप ब्यूटी क्वीन नहीं हो ब्यूटी क्वीन क्वीन वर्ड यूज किया है लेकिन उसका सेंस जो है वो क्या निकल रहा है नेगेटिव निकल रहा है कि आप इतने खूबसूरत नहीं हो अपने आप को इतने खूबसूरत मन मत मानो हाँ थर्ड वन ही इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट तो इसका मतलब ये वो डल किस्म का इंसान है सीधा सीधा बोल सकते हैं कि वो ही इज अ डम पर्सन उसके जगह पे हम थोड़ा ट्विस्ट करके थोड़ा एफर्मेटिव वे से थोड़ा आ, फिगर्स ऑफ स्पीच स्पीच की वे से आ, बताते हैं तब इस तरफ के फिगर्स ऑफ स्पीच बनते हैं कितने वेरियस टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच हैं देखिए हाँ तो ऐसे पॉजिटिव वर्ड यूज़ हुआ हो लेकिन उसके उसके आगे जो नॉट यूज़ करके उसका पूरा जो मीनिंग है वो एफर्मेटिव यानी कि नेगेटिव वे में यानी कि जो वर्ड है उसके एकदम ऑपोजिट वे में अगर उसका मीनिंग हो जाए तो इसको लिटोटस ओके आ, आ, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं उसका एक और एग्जांपल, विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन ऑर्डिनरी बैट्समैन एक साधारण बैट्समैन ठीक है लेकिन इसका नॉट उसके आगे हो गया तो उसका सीधा ऑपोजिट वर्ड हो गया हुँ? कि वो स्पेशल बैट्समैन है ऑर्डिनरी नहीं है तो वर्ड एक यूज करते हैं लेकिन उसका सेंस दूसरा होता है ठीक है ना बात का सेंस कुछ उल्टा ही निकलता है ऑपोजिट निकलता है तो उसको लिटोटस फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं चलिए अब रिपीटेशंस रिपीटेशंस ओके रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेसिस देखिए क्या है किस तरह से आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सो दी अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई नो आई शुड फील हैप्पी कि भाई इसका मीनिंग uh, क्या निकलता है कुछ निकलता है इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है एक्चुअली मीनिंगफुल ही होता है सेंटेंस ग्रामर का कोई भी सेंटेंस होता है वो मीनिंगफुल ही होता है लेकिन उसका एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है तो उसके नाम में ही बहुत ही ईजी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उसकी बात करते हैं रिपीटेशंस तो एक ही वर्ड जो बार बार रिपीट होता है और एक एग्जांपल उसका देखते हैं दीज डेज एक्सीडेंट्स आर एवरीवेयर सो वी कैन सी ब्लड ऑन द रोड एवरीवेयर सो इंजरीज़ आर एवरीवेयर देखिए इधर भी ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है एवरीवेयर 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 जो एक वर्ड जो है या तो फ्रेश है वो रिपीट होता रहता है तो उसको रिपीटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं फिर से एक बार याद करा दूँ कि आपके टेंथ बोर्ड में आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन पेपर हो टेंथ हो नाइन्थ हो इलेवेंथ हो या ट्वेल्थ हो उसमें ऐसा पूछा जाता है एक सेंटेंस दिया जाता है और उसके सामने उस उसका ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच इतनी सारी हैं उसके मीनिंग ढूंढ के उसको ढूंढ के उसका सिर्फ नाम लिखा होना चाहिए तो आपको नाम और उसकी डेफिनेशन के साथ याद रखना है ठीक है चलिए अब नाइन्थ वन करते हैं वेरी इम्पोर्टेंट वो है पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच ठीक है उस, वो कैसे है मानवीयकरण जिसको मानवीकरण अलंकार हिंदी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत सारे नाम पे से ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा तो किस तरह से मानवीयकरण किस तरह से पर्सोनिफिकेशन की व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल और बर्ड्स और आइडिया और एन ऑब्जेक्ट्स इज सीन इन ह्यूमन टर्म्स कि भाई कोई नॉन लिविंग थिंग पड़ा है उसको ह्यूमन टर्म्स में उसको पर्सोनिफिकेशन वे से इट मीन्स मानवीय तरीके से जब उसको वर्णन किया जाता है हाउ इज इट देखते हैं चलिए एग्जाम्पल से हाँ यू शुड कीप वर्किंग हार्ड अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग एट योर डोर देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है लेकिन उसमें पर्सोनिफिकेशन वे क्या है कि यू शुड कीप वर्किंग हार्ड नॉर्मल है आप आप हार्ड वर्क करते रहिए करते रहिए अपॉर्चुनिटीज़ वो तो लिविंग थिंग है नहीं हा? एक आइडिया है एक ऑब्जेक्ट है वो नॉक नहीं करने जाएगा आवाज़ नहीं आएगी लेकिन उसको मानवीयकरण रूप से उसको पर्सोनिफिकेशन दिया गया कि अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉकिंग एट योर डोर जैसे कि इमेजिन करिए कि कोई अपॉर्चुनिटी बाहर आके खड़ी है फीमेल uh, रूप में खड़ी है ऐसे बोलते हैं हाँ और वो टक 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 करके हमारा नोर डोर नोक कर रही है ऐसा ठीक है आफ्टर रेन अनदर एग्जाम्पल देखते हैं आफ्टर रेन ट्रीज स्टैंड फ्रेश एज फ्रेश फेस जिस तरह से फ्रेश फेस होता है हाँ ना धो के बहुत अच्छी तरह से फ्रेश uh, हो के पहले जब बाहर निकलते हैं और uh, आईने में हमारा इन द मिरर वन वी आर सी लुकिंग एट आवर फेस एंड हम खुश हो जाते हैं या तो हमारा लाइकेबल पर्सन जिसको हम बहुत ही प्यार करते हैं उसका फेस देखते हैं। इतना फ्रेश फ्रेश इतना ब्यूटिफुल uh, फेस अगर हम देखते हैं इस इसके जैसा रेन के बाद बारिश के बाद जब ट्रीज़ uh, हमें ऐसा लिखते हैं लगते हैं ठीक है ना तो इसमें दूसरा भी एक फिगर ऑफ़ स्पीच हम कह सकते हैं कौन सा देखिए फ्रेश और फ्रेश वर्ड जो है वो दो बार रिपीट हुआ है आर राइट दैट रिपीट फिगर्स ऑफ स्पीच ये दोनों में से कोई भी अगर ऐसा कोई एग्जांपल आता है कंफ्यूजन करने के लिए तो दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे तो भी आपका जो है वो राइट right होगा लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा है ना इसलिए ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं पर्सोनिफिकेशन का द सन स्माइल्स एंड चेज द चेज्ड अवे द एंग्री क्लाउड सन जो है स्माइल करता है सन नॉन लिविंग थिंग है ऑब्जेक्ट है ठीक है तो वो जब स्माइल करता है तो जो एंग्री क्लाउड्स होते हैं वो अवे यहां से दूर भाग जाते हैं सन वैसे स्माइल नहीं करता है है ना वरना इस अदरवाइज इस वर्ड को इस थिंग को इस आइडिया को इस तरह से बताया गया है जैसे कि कोई ह्यूमन बीन स्माइल कर रहा हो ठीक है ना चलिए अब टेंथ वन ओके पैराडॉक्स क्या है वो स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इट सेल्फ जो स्टेटमेंट है जो सेंटेंस है पूरा वो खुद में ही खुद का ही अपोजिट है विरोधाभास है विरोधी स्टेटमेंट हाँ विरोधी सेंटेंस जो खुद का जो खुद लखा लगा लिखा हुआ है ना उसका भी जो ऑर्डर जो होता है जो स्टेटमेंट होता है वो उसके खुद के ही अपोजिट होता है कैसे चलिए देखते हैं यू कैन सेव सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट ऐसे कैसे हो सकता है देखिए सेव और पेंडिंग दोनों के नीचे अंडरलाइन किया है कि आप पैसे बचा सकते हैं उसको खर्च करते हुए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है अगर पैसे बचा बचाना है तो उसको खर्च कैसे करते हैं उसको अगर नहीं खर्च करते तो हम उसको बचा सकते हैं खर्च करते हैं तो वो तो खर्च हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं और ज़्यादा क्लियर करने के लिए दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ये शुरुआत है अंत की है ना दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बिगिनिंग के नीचे अंडरलाइन किया है और एंड के नीचे भी किया है देखिए ठीक है हियर आर द रूल्स इग्नोर ऑल द रूल्स अरे भाई सीधे सीधा बता दो ना अभी यहाँ पे कोई रूल्स आपको फॉलो नहीं करने हैं लेकिन क्या बताया कि दीज आर द रूल्स इग्नोर ऑल दी रूल्स अरे तो ये कैसे हो सकता है यहाँ पर भी देखिए और एक बार आपकी छोटी सी एक क्विज़ ले लो, एग्ज़ाम ले लो कि ये इस ये पैराडॉक्स तो है ही लेकिन दूसरा कौन सा यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच आएगा यस रूल्स रूल्स दो बार रिपीट हो रहा है एक ही वर्ड तो रिपीटिशंस ठीक है क्लियर हो रहा है ना अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा है ना चलिए अब एलेवेंथ करते हैं ओके okay, चलिए कौन सा है ओ येस ऑक्सीमोरॉन ओके टू कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स क्रिएटिंग ड्रामा देखिए यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से ड्रामा करते हैं कैसे बहुत ही सिंपल है दो वर्ड्स होंगे जो आपस में एक दूसरे के विरोधी होंगे यहाँ पे पूरा सेंटेंस जो था पैराडॉक्स वाला वो एक दूसरे का जो अपोजिट था विरोधी था लेकिन यहाँ पे दो वर्ड्स सिर्फ ऐसे होंगे सेंटेंस पूरा नॉर्मल होगा चलिए इसको और आ, अच्छी तरह से हम क्लियर करते हैं दो एग्जाम्पल देख के द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी इसको ऑक्सीमेरॉन बनाने के लिए ही सीरियसली वर्ड यूज़ हुआ है कि कॉमेडियन है वो कभी सीरियस नहीं होता है और जो फनी होता है वो भी कभी सीरियस नहीं होता है तो इसीलिए यहाँ पर यह किया गया है कि द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी ऐसे दो वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ठीक है चलिए और एक दे देता हूँ मैं डू यू हैव दी ओरिजिनल कॉपीज इसका मीनिंग हमें पता है कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जगह पे कॉपीज वर्ड किया गया है यूज़ किया गया है क्यों किया गया है क्योंकि ये अलंकृत लैंग्वेज बनाई है भाषा बनाई है ऑक्सीमेरॉन जिसको फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं ठीक है ना वो ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को फ्रेम किया गया है इसलिए ये सेंटेंस ऐसे हैं अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए तो बिंदास समझ के ऑक्सीमेरॉन नाम याद रखिएगा वो लिख लीजिएगा चलिए आखिरी के दो नेक्स्ट स्लाइड में एक साथ आएंगे क्योंकि दोनों दोनों कॉमन है कैसे कॉमन है चलिए देखते हैं कौन से हैं दोनों ओके क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स पहले क्लाइमैक्स समझते हैं सीरीज ऑफ आइडिया इन एन असेंडिंग ऑर्डर जो भी कोई एक सेंटेंस ऐसा होगा कि पूरे सेंटेंस में दो तीन स्टेप्स होंगे कॉमा करके या एंड करके तो हमें वो ऐसा फील होगा कि अब आगे 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 बढ़ रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं हाँ तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे कि भाई ऐसा हुआ इसके बाद ऐसा हुआ इसके बाद ऐसा हुआ, बाद ऐसा हुआ अब मैं यहाँ तक पहुँचा रिजल्ट तक जाने के लिए स्टेप्स बताते हैं तो जो स्टेप्स ऊपर जाते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में क्लाइमैक्स उसको बोलते हैं ठीक है ना और एंटी क्लाइमैक्स साथ में भी ले लूँ एग्जांपल दूसरी एंटी क्लाइमैक्स भी बताऊँगा कि अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है तो कोई भी सेंटेंस तो चलिए पहले क्लाइमैक्स का एग्जांपल लेते हैं लाइफ लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस तो परस्यूट का मतलब मैंने उसके नीचे हिंदी में लिखा है देखो तलाश तो ज़िंदगी शुरू होती है लिबर्टी यानि कि थोड़ी बहुत आज़ादी थोड़ी बहुत फ्रीडम थोड़ी बहुत मेहनत होती है और तलाश होती है हैप्पीनेस की लास्ट में क्या चाहिए इंसान कितना भी सक्सेस ले ले कितना भी नाम कमाए कितना भी पैसा कमाए लेकिन फिर आखिरी में उसको शांति चाहिए है ना तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं मैंने देखो एक पहले एग्जांपल में एरो भी किया है हम आ, सब एग्जाम्पल वैसे तो किया है ब्लैक पेन से हम वो देख सकते हैं लाइफ की शुरुआत होती है फिर लिबर्टी होती है और फिर हैप्पीनेस पे जाके रुकती है चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं लुक अप इन द स्काई इट्स अ बर्ड इट्स अ प्लेन पहले पहला स्टेप क्या है ऊपर देखना दूसरा स्टेप क्या है कि वो बर्ड है और उसके ऊपर देखें तो वो दूसरा प्लेन भी है वहाँ पे ठीक है ना तो स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं तो वो क्लाइमैक्स है एंटी क्लाइमैक्स आप समझेंगे ना उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा क्लियर ये हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं एंटी क्लाइमैक्स इसका मतलब जो क्लाइमैक्स का उल्टा है वो फिर भी एक बार उसको तो थोड़ा स्ट्रेच करके देख लेते हैं कि सीरीज ऑफ आइडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर में जो ऐसी सोच जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है सीरीज हाँ एक सीधा एक सिंपल सी, 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 सा एक सेंटेंस होगा वो नहीं उसके कॉमा किया होगा एक या दो कॉमा होंगे फिर एक कंजक्शन एंड इसके साथ हुआ होगा या तो और हुआ होगा तो इस तरह से वो सीरीज होनी चाहिए तो वो क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स है ठीक है न अदरवाइज़ वो दूसरा कोई फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा चलिए इसमें हिस्ट लॉ ही लॉस्ट इज़ फैमिली हीज़ कार एंड हीज़ सेल फोन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे फैमिली एकदम हाईएस्ट टॉप पर ठीक है फिर उसके नीचे आते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट और थोड़ा और कम इम्पोर्टेंट कार और उससे थोड़ा और कम इम्पोर्टेंट सेल फ़ोन तो ऊपर से नीचे आना देखिए मैंने उल्टे जर, उल्टे एरो किए हैं आपको और भी समझाने के लिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं सी इज़ अ ग्रेट डॉक्टर अ मदर एंड कुक तो एक लेडी की बात की गई है वैसे तो मदर आगे आना चाहिए है ना क्योंकि वो सबसे ऊपर प्रायोरिटी वाली बात ये है ठीक है तो वो डॉक्टर है मदर है और कुक है इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि वो सबसे पहले एक मदर है फिर एक ग्रेट डॉक्टर है और फिर एक कुक है हमारी आ, साहित्य की लैंग्वेज में हमारे धर्म की लैंग्वेज में मदर सबसे ऊपर आता है लेकिन कॉरपोरेटिव वर्ल्ड की बात हो रही है एकदम प्रोफेशनल दुनिया तो डॉक्टर का दर्जा यहाँ पर प्रोफेशन वाइज ठीक है ना मदर का काम तो क्या है कॉमन है ऐसा जो लोग सोचते हैं उन्होंने ये सेंटेंस फ्रेम किया है किसी इज़ अ डॉक्टर उसके थोड़ा एक नीचे मदर उसके थोड़ा एक नीचे कुक चलिए आपके जो सिलेबस में हैं टेंथ बोर्ड के वो थर्टीन है और ये थर्टीन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं लेकिन और आ, थोड़ा बहुत सिलेबस दूसरा हम कंप्लीट करके फिर फिगर्स ऑफ स्पीच एक बार और लेंगे ताकि बोर्ड में अगर थर्टीन के अलावा भी नहीं पूछा जाता लेकिन थर्टीन के अलावा भी अगर पूछा जाएगा तो वो आपको आ, आ, नहीं आए या तो एक मार्क्स कम हो ऐसा हम नहीं करेंगे ठीक है ऑल ट्वेंटी हम आपको कंप्लीट करवाएंगे और आपको नोटबुक में ये थर्टीन अभी लिख लेना है और फिर बाकी के जो दो दो या तीन पे छोड़ दीजिएगा और दूसरा कोई ग्रामर का टॉपिक अभी है तो नहीं लेकिन फिर भी दूसरा कोई अगर हम करवाएंगे प्रैक्टिस करवाएंगे रिवीजन करवाएंगे तब आपको उसमें लिखना है और बाकी के जो एलेवन या थर्टीन जो बाकी रहते हैं वो भी हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे चिंता मत करिएगा ताकि वो आपको एलेवन्थ में और ट्वेल्थ में भी काम आएंगे ठीक है लिख लीजिए नोट में फ्रेंड्स लाइक दिस वी हैव कम्प्लीटेड योर सिलेबस ऑल थर्टीन फिगर ऑफ स्पीच बट वी आर नॉट गोइंग टू कीप लेफ्ट दैट रेस्ट ऑफ इलेवन और थर्टीन ओके सो वी आर विल हैव द रेस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन आवर Further videos. Okay? Thank you very much.